आज फोटो वाले को पहले हो जाए, चलिए। आज सदन के अंदर आपके माध्यम से पूरा बिहार और देश देख रहा है कि विपक्ष सदन चलाना चाहता है। हम सदन चलाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं देता है। 78 विधायकों का विपक्ष, उसको बोलने नहीं मिले, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टी है उसको बोलने का आदेश मिले आसन से। हमारे तरफ कैमरा बंद कर दें, हमारी आवाज को लाइव में कम कर दें कि लोग सुन नहीं पाए। फिर भी हमने ये तमाम विषय को सह करके बड़ी आग्रह करके बोलना शुरू किया तो आधा में ही माइक बंद कर दिया गया। आज आपने देखा, हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आधे दर्जन मंत्री का इस्तीफा लिया था FIR में नाम पर, आज चार सीटेड उप मुख्यमंत्री पर आपका जवाब क्यों नहीं? आज शिक्षकों के साथ जिस तरह से आपकी लाठी बरसी है, जिस तरह से धोखाधड़ी शैक्षणिक अराजकता फैल रहा है, उस पर जवाब क्यों नहीं? आज कृषि सलाहकार पर आपका उसके साथ लाठी चार्ज क्यों? हमने कहा वित्तरहित शिक्षकों का अनुदान की कटौती क्यों? आज इन तमाम विषयों पर हमने जवाब मांगा। हमने कहा कि आज प्रश्न है हमारा, अगवानी प्यून 1717 करोड़ पानी में बह गया, नल जल में तो आपने 3300 से 3800 करोड़ तो बहाया ही। आज अगवानी पुल 1717 करोड़ पर CBI की जांच क्यों नहीं? भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? उत्तर लिपा पोती का है, हमारे माननीय सदस्यों को पूरक 3 पूछने का आदेश नहीं मिलता है, और सत्ता पक्ष के सदस्यों का कई पूरक का अवसर मिलता है। समय बर्बाद करके समय पार करने का ये खेल, अगवानी पुल का क्वेश्चन नहीं आए। सत्ता से जब आसन से जब सत्ताधारी दल के इशारे पर आसन चलेगा तो सदन की गरिमा क्या बचेगी? हमने कहा, और हमारे सदस्य जब विरोध करते हैं बेल में आकर तो आप कार्रवाई की धमकी देते हैं। अरे आपके जंगल राज से भी नहीं डरे थे, भारतीय जनता पार्टी जंगल राज की लड़ाई लड़ा था, और आपने मुख्यमंत्री जी सत्ता और कुर्सी के लिए धृतराष्ट्र बन गए और जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं। आप गुंडा राज में तब्दील कर दिया। लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, संवैधानिक संस्था पर आप अपमान कर रहे हैं, और सदन के अंदर विधायिका को आप कमजोर करके विधायिका के आवाज को दबा रहे हैं। ऐसे में कैसे सदन चलेगा? इस विषय का कोई जवाब नहीं। एक भ्रष्टाचारी कभी न्याय नहीं कर सकता, कभी सुशासन नहीं ला सकता। सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी और अपराधियों की जमात बिहार के अंदर घोर अराजकता का वातावरण बना रहा है। सड़क से सदन तक लड़ेंगे। 10 लाख नियुक्ति का क्या हुआ? हमने जब पूछा पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नियुक्ति देंगे, क्या हुआ नियुक्ति का? कल गांधी मैदान से 10 लाख नियुक्ति का हिसाब मांगेंगे, और 33 वर्ष के ऊपर उम्र में 52 संपत्तियों का आपने कैसे मालिक बन गया? आज 150 करोड़ का मकान दिल्ली में, 750 करोड़ का आपका मॉल का जमीन कहां से आया? आप बहुत भाजपा झूठा पार्टी तो बहुत सत्यवादी है, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। सत्ता के लिए समझौता भ्रष्टाचारियों से अपराधियों से क्यों? बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की जमात बिहार के अंदर नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र की धरती है, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर सत्ता में बैठने वाले बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों को खुलकर संरक्षित कर रहे हैं। अब तो आपातकाल, अघोषित आपातकाल विधानसभा के अंदर लगा दिया गया है। विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है और विपक्ष पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। हमने कहा कि कार्रवाई जरूर करें, लेकिन आचार समिति का रिपोर्ट जिसमें उप मुख्यमंत्री, उनके भाई और कई सदस्य आसन को रौंद दिया था, क्यों आज तक कार्रवाई नहीं हुआ? क्यों विशेषाधिकार पर आप बैठक नहीं किए?
क्यों विधायकों के अपमान प्रोटोकॉल समिति पर आप बैठक नहीं किए? कोई जवाब नहीं है। जब आसन की निरपेक्षता गिरवी रखी जाए, जब आसन को दबाव में लाया जाए, तो ये आपातकाल है। और बिहार के अंदर सड़क से सदन तक आपातकाल अघोषित रूप से लगा दिया। कल शिक्षकों को जहां तहां रोक कर उसके नेता को अरेस्ट कर करके उसको दबाव में लाया, बेबस किया है कि तुम लोग आपस जाओ, नहीं तो तुम्हारे नेता को जेल भेजेंगे। ये आपातकाल में होता था। कांग्रेस की संगति में राजद जदयू को भी आपातकाल का पूरी गुण आ चुका है। फिर से बिहार में एक बार इस राजद कांग्रेस और जदयू भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक नया जान आंदोलन कल से शुरू होगा। कृषि मंत्री ने कहा है आप लोग शिक्षकों को उकसा रहे, भड़का रहे, माहौल खराब करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी जवाब, जो भ्रष्टाचारी है उसके भ्रष्टाचार पर जब उंगली उठे, विपक्ष की जिम्मेवारी है सरकार के काम खामी कमी को और जनता की आवाज को सदन में उठाना, और विपक्ष की आवाज को उठाने नहीं दे। ये सरकार भ्रष्ट और बेईमान है। ऐसे बेईमानों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे भाजपा और बिहार की जनता।